गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपके साथ संयम जैन। आज बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी चालू करने से एप्लीकेशन इसके चालू करने से पहले मैं आशा करता हूँ आपने इससे पहले बायोटेक्नोलॉजी देख ली होगी, क्योंकि अगर बायोटेक्नोलॉजी एक बार पूरी हो जाए तो ये वाला चैप्टर बहुत ईजी है। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें क्या आता है, इसमें हम डायग्नोस कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, फूड प्रोसेस कर सकते हैं, काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, जैसे वेस्ट ट्रीटमेंट, हम अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं, काफ़ी सारे काम होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, क्योंकि हम सीधा जीन के साथ खेल रहे हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आता है इसकी वजह से हम प्रोवाइड कर सकते हैं बेस्ट इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली माइक्रोब फॉर द प्योर एंजाइम, क्रिएटिंग द ऑप्टिकल कंडेंसेशन बाय द इंजीनियरिंग कैटालिटिक टू एक्ट। इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि हमें थ्री क्राइटेरिया पे अपने यूज़ के हिसाब से वो करते हैं। हम पहले क्या करते हैं, एक एंजाइम को या किसी भी चीज़ को लेते हैं जिसे हम मॉडिफाई करना होता है, उसके बाद हम उसको कॉलोनाइज करते हैं, उसका डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, ये काफ़ी बार नीट और उसमें पूछा गया है बोर्ड में। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम जीन को निकाल प्योरीफाई करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उसे डाउन स्ट्रीमिंग कहते हैं। इसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इसका क्या ही रोल है, यहाँ पे हम ये देखेंगे। हम इसके अंदर जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट बनाते हैं, जो कि या फिर बैक्टीरिया बनाते हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, और काफ़ी बार ये टॉलरेट कर पाते हैं एबायोटिक स्ट्रेस को, केमिकल पेस्टिसाइड्स को, एंड रिड्यूस द पोस्ट ऑफ द हार्वेस्ट लॉस। हार्वेस्ट लॉस को भी कम कर देते हैं, जैसे अगर खेती को पानी नहीं मिला तो उसमें हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन ला देते हैं, या पेस्ट के थ्रू मॉडिफिकेशन ला देते हैं कि पेस्ट से ख़राब ना हो जाए, या फिर एग्रोकेमिकल्स बना देते हैं जो कि फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, मैनेजमेंट ऑफ पेस्टिसाइड्स कर सकते हैं। ये सब लिखा हुआ है, आसान चीज़ है। मेन आता है यहाँ पे, हमने क्या करा, बीटी कॉटन लिया। बीटी कॉटन क्या है, बैसिलस थुरिएंजिस प्रोड्यूस बाय किल्ड सम इंसेक्ट। क्या होता है, बैसिलस थुरिएंजिस एक बैक्टीरिया है, जो कि अगर हम उसे एक उस सेल में डालते हैं, क्या कहते हैं, इंसेक्ट में डालते हैं, तो वो उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में जब एल्कलाइन पीएच होता है तो अपने आप का क्रिस्टल चेंज कर लेता है और सेल की तभी के तभी डेथ कॉज करता है। तो ये क्या होता है, बीटी थुरिएंजिस। तो हमने क्या करा, बीटी थुरिएंजिस से वो जीन निकाल लिया जिससे वो इंसेक्ट की डेथ कॉज करता था, और उसे हमने इंटीग्रेट करवा दिया अपने कॉटन प्लांट के साथ। इससे हमें मिला बीटी कॉटन। इससे क्या होता है, जब भी स्टमक में जाके एल्कलाइन मीडियम मिलता है, जब भी वो फीड करता है इंसेक्ट और उसे उसके स्टमक में जाके उसे एल्कलाइन मीडियम मिलता है बीटी थुरिएंजिस टॉक्सिन को, जिसे हम बीटी टॉक्सिन कहते हैं, पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जैसे ही उसे एल्कलाइन मीडियम मिलता है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और तभी की तभी किल कर देता है इंसेक्ट को। इससे क्या होता है, हमारा जो पौधा है वो बच जाता है। ज़्यादातर ये होते हैं फ्रेंड्स क्राई 1AC एंड क्राई 2AB, ये नीट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद आता है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। इसके अंदर हमने क्या करा, जैसे टबैको मोज़ेक प्लांट है, इसे हमारा मिलोंजियन इग्नाइटिया ये ख़राब कर देता था। ये क्या करता था, RNAi रिलीज़ करता था इसके अंदर, इसको इन्फेक्ट करने के बाद, जिससे कि mRNA बनता था, और mRNA क्या करता था, mRNA जो टोबैको प्लांट था हमारा उसके अंदर इनिशिएशन करता था माइटोसिस की। माइटोसिस मतलब बार बार उसके जो रूट्स होते थे वो माइटोसिस परफॉर्म करते थे। इस वजह से क्या होता था, उसके रूट्स काफ़ी मोटे हो जाते थे, क्योंकि वहाँ पे सेल एक्यूमलेट हो जाता था, और उसके बाद सेल फाइनली डेथ की तरफ चला जाता था। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादातर जब एक जगह कन्फाइंड सेल्स हो जाएंगे तो वो ट्रांसपोर्टेशन इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो वो डेड हो जाता था। तो हमने इसे कैसे बचाया, इसे ये काफ़ी सही है तो अच्छे से समझना, हमने इसे कैसे बचाया, हमने मिलोंजिना इग्नाइटा से पहले ही RNA निकाल लिया, डबल स्टैंडर्ड RNA। तो इससे क्या हुआ, हमने उसको कॉम्प्लीमेंट्री जीन बना के इंट्रोड्यूस करवा दिया प्लांट में,
जब भी अब वो आरएनए, जब भी वो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा और आरएनए अपना छोड़ेगा, जो कि आरएनए इंड्यूस करवाता था माइटोसिस को, जैसे ही वो आरएनए आया तो जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन बनाया है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन वाला इंड्यूस करवाया था, कॉम्प्लीमेंट्री जीन तैयार है, तो वो दोनों आपस में इंटीग्रेट करके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे, जो कि अब आगे कोई इफेक्ट नहीं करेगा प्लांट को, क्योंकि मैसेंजर आरएनए सिर्फ इन्फेक्ट कर रहा था। ओके, और इसके बाद आता है, एक सेकेंड, अपना इंसुलिन प्रोडक्शन। अब इंसुलिन में पहले तो हमें जानना पड़ेगा इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन पहले इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है बाय दी पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक सेल के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जो कि रेगुलेट करता है ब्लड शुगर। अब इसके अंदर क्या होता है, एक ए पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं और बी पेप्टाइड, और सी पेप्टाइड बॉन्ड सिर्फ उसके अंदर होती है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ करा जाता है। ये एक्टिव होने के बाद सिर्फ ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड बॉन्ड बचती है, जो कि सल्फाइड लिंकेज के साथ होती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमने पहले क्या करा था, इसे हमने इसमें ए चैन अलग बनाते हैं, बी चैन अलग बनाते हैं, हम सी चैन नहीं बनाते इसके अंदर। क्यों? क्योंकि उसके बाद इसका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है। तो हम जो इंसुलिन लेते हैं इनडायरेक्टली, वो ए और बी चैन की बनी हुई एक्टिव कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि सल्फाइड लिंकेज के द्वारा होता है। तो ये अमेरिकन कंपनी ने बनाया था, एली लिली ने, 1983 में, जो कि ए और बी जीन अलग से सिंथेसाइज करा था बाय द इक्यूलाई और उसे डिफ्यूज़ करवा दिया था। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है, ये पहले बार फर्स्ट टाइम करा था 1999 में एम ब्लेस एंड WF हॉडसन ने। इसके अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं काफ़ी सारे, जैसे ADA, एडिनोसाइन डियामिनेज डिफिशेंसी, जिसमें क्या होता है एडिनोसाइन डियामिनेज रिलीज़ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, जो भी होता है वो ग्रो नहीं कर पाता, माइंड माइंड बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाता। और उसके बाद ये काफ़ी फिकल डिसीज़ है। उसके बाद हमें क्या कर, ये इन साइंटिस्ट ने क्या करा था, इसे आर्टिफिशली ADA को आर्टिफिशली वो निकलवाया था, मतलब सिंथेसाइज करा था और उसे इंट्रोड्यूस कर दिया था। जब इन्होंने इंट्रोड्यूस करा तो इन्होंने देखा कि ये अपना काम सही से कर रहा था, तो इससे क्या हुआ, ये वाली डिसीज़ काफ़ी हद तक क्योर हो गई। तो हमने और भी काफ़ी सारी डिसीज इससे क्योर करी, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, कैंसर, पार्किंसन सेल्स। इसके बाद आता है मॉलिकुलर डायग्नोसिस। अब हम क्या करते हैं, इसे डायग्नोस करने में भी, कोई किसी भी बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे होता है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन के बारे में बायोटेक्नोलॉजी में हम बात कर चुके हैं। इसके द्वारा हमें क्या पता लगता है, ये हम इसके अंदर लो डेंसिटी कंस्ट्रेंट ऑफ पैथोजन लेते हैं और हम उन्हें डिटेक्ट नहीं, जिन इसके अंदर लो डेंसिटी पैथोजन हम डिटेक्ट कर पाते हैं, जो कि हम बाकी चीज़ों से नहीं कर पाते थे। और ये ससेप्टेबल होता है कैंसर पेशेंट के लिए। और दूसरा होता है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑटो रेडियोथेरेपी के लिए यूज़ करते हैं। और तीसरा आता है एलाइजा। एलाइजा क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है, हम अलग अलग एंटीबॉडी से इंटरेक्ट करवाते हैं अपने एंटीजन को, अगर जिसके साथ बाइंड कर गया तो मतलब वो उसका डायग्नोज हो गया। अब होता है ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, हम एक्सप्रेशन देखना चाहते थे जीन का, अगर हम आर्टिफिशियली डालें। और ट्रांसजेनिक एनिमल काफ़ी बार हमारे सेंसिटिव होते हैं, जो हम मेडिसन्स लेते हैं, तो ह्यूमन पे डायरेक्ट इस्तेमाल करने से अच्छा हम ट्रांसजेनिक एनिमल पे पहले यूज़ करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके होते हैं उस पर्टिकुलर, जो भी हम एंटीबायोटिक बना रहे हैं। तो हमने अभी तक ट्रांसजेनिक एनिमल, रैबिट, पिग, शीप, ये सब बना चुके हैं। हम मेनली क्या करते हैं, स्टडी ऑफ डिसीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, डिसीज़ डाल देते हैं किसी भी ट्रांसजेनिक एनिमल में, और हम उसके बाद इजीली हम देख सकते हैं कि क्या है। और हमने क्या, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए भी काफ़ी बार ट्रांसजेनिक एनिमल यूज़ करा है, जैसे हमने पीछे चैप्टर्स में पढ़ा था
ट्रांसजेनिक काओ के बारे में, जो कि प्रोटीन रिच मिल्क प्रोड्यूस करती थी। और हमने एक और पढ़ा था अल्फा लैक्टियोनियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे याद कर लेना पूरे को, पॉइंट्स में दे रखा है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है बायो सेफ्टी, बायो केमिकल टेस्टिंग के लिए भी हम ही यूज़ करते हैं, जो कि ट्रांसजेनिक एनिमल में मैंने अभी आपको बताया था टेस्टिंग के लिए यूज़ करा जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और नीचे आते हैं तो आता है एथिकल इशू। एथिकल इशू क्या होता है, अब हम कुछ लोग क्या होते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, जैसे वो हमने अपना वो क्या कहते हैं उसे टमाटो के अंदर हमने ज़्यादा मॉडिफाई करवा दिया था, तो वो ह्यूमन के लिए ज़्यादा डिसीज़फुल होता है। तो हमने इंडियन में क्या बनाया, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। अब जो भी हम जेनेटिक वर्क करेंगे या कोई भी मॉडिफाइड जीन मार्केट में प्रोड्यूस करने से पहले हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी को बताना पड़ेगा कि ये हमारे चीज़ें हैं। और अब इंडिया ने जैसे इंडिया में थाउजेंड ऑफ वेराइटीज़ ऑफ राइस हैं, तो इंडियन बासमती जो कि है बासमती सबसे अच्छा एंड एनरिच डाइट वाला राइस माना गया है। और हमने इसके अंदर ये भी हमने ट्रांसजेनिक से बनाया था, और हमने बासमती को ही मॉडिफाई एक और में करा था, जो कि था कैरोटीन रिच, जो कि विटामिन ए रिलीज करता है, उसे हम ब्राउन राइस कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टरों में। अब बायोपायरेसी क्या होती है, अब बायोपायरेसी का मतलब होता है कि वर्क तो किसी और ने करा पर क्रेडिट कोई और ले गया। जैसे पहले इंडियन पेमेंट बिल था, इसके अंदर क्या था कि इंडियन ने बासमती चावल बनाया था, बट यूरोपियन ने उसके बारे में जाना और उन्होंने अपने राइट्स ले लिए इंडियन बासमती चावल के राइस के, पर इंडियन वालों ने केस करा, उसके बाद इंडियन बिल इंडियन वालों को मिल गया। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।